तो मोटोरोला का एक नया स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है, मोटोरोला एज 50 अल्ट्रा। इससे पहले मोटोरोला के दो स्मार्टफोन लॉन्च हुए थे, मोटोरोला एज 50 और एज 50 फ्यूजन, और अब ये अल्ट्रा वाला भी लॉन्च हो चुका है। इस स्मार्टफोन में आपको किस तरह के स्पेक्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पर मैं आपको कुछ स्पेक्स बताना चाहता हूँ। जैसे कि इसमें आपको जो है तीन कैमरा रियर में देखने को मिल जाते हैं, 2 50 मेगापिक्सल के और 1 64 मेगापिक्सल का, जिससे आप DSLR जैसी फोटो अपने मोबाइल से ही कैप्चर कर पाएंगे। उसके अलावा इसमें स्नैपड्रैगन का अब तक का सबसे पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, Snapdragon 8 Gen 3। उसके अलावा और भी जबरदस्त स्पेक्स और फीचर्स के साथ ये स्मार्टफोन आता है, वो आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस स्मार्टफोन पर सेल कब स्टार्ट होने वाली है, सेल में इसकी क्या प्राइस रहेगी और बैंक डिस्काउंट कौन से आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, EMI ऑप्शन कैसे रहने वाले हैं, ये सारी डिटेल इस स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्लिपकार्ट जैसे ही आप ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको स्मार्टफोन वाले सेक्शन में चले जाना है, उसके बाद न्यू लॉन्चेस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर जैसे ही आप न्यू लॉन्चेस पर क्लिक कर देंगे, नीचे आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, मोटोरोला एज 50 अल्ट्रा। तो इसकी कीमत आपको इस सेल के दौरान 50,000 रुपये देखने को मिलने वाली है और ये बैंक ऑफर लगाने के बाद है। इसके बाद इसमें आपको 4,100 कुछ रुपये की पर मंथ EMI भी देखने को मिल जाती है, जो कि नो कॉस्ट रहेगी। कौन से क्रेडिट कार्ड पर देखने को मिलेगी वो आगे इस वीडियो में बताऊंगा। और इसकी सेल स्टार्ट होगी 24 जून को 12 बजे से, तो अगर आपको ये स्मार्टफोन चाहिए तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। चलिए इसकी और भी डिटेल यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो कितने कलर और वेरियंट में आता है, तो वेरियंट में आपको इसमें एक ही मिलेगा, 12 GB RAM, 512 GB स्टोरेज। कलर में आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तीनों में से आप कोई सा भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बैंक ऑफर के बारे में बात करूँ तो सिर्फ एक ही बैंक पर यहाँ पर आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा, ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर। डेबिट कार्ड पर भी नहीं, क्रेडिट कार्ड पर आपको ये डिस्काउंट देखने को मिलता है, जो कि होगा पूरे 5,000 रुपये का। और अभी के लिए देख सकते हैं इसकी कीमत आपको देखने को मिलेगी 54,999 रुपये, यानी कि आपको पूरे 50,000 रुपये का ये बैंक डिस्काउंट लगाने के बाद ही मिलेगा, और कोई यहाँ पर आपको अलग से बैंक डिस्काउंट देखने को नहीं मिलता। और इसकी कुछ हाईलाइट स्पेक्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, 12 GB आपको इसमें रैम देखने को मिल जाती है, 512 GB स्टोरेज के साथ ही आता है, स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। रियर में आपको तीन कैमरा मिलेंगे, 50 50 मेगापिक्सल के दो कैमरा और एक 64 मेगापिक्सल का। सेल्फी कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा ऑटो फोकस के साथ। डिस्प्ले की बात करें, 6.7 इंचेस की आपको एक OLED डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और बैटरी कैपेसिटी की बात करें, 4500 mAh की बैटरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और इसमें आपको 125 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो बैंक ऑफर और इसके कुछ हाईलाइट डिटेल मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं इसके EMI ऑप्शन आपको बताने वाला हूँ, किस तरह के EMI ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो डिटेल EMI पर जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा तो सारे ही क्रेडिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। नो कॉस्ट पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, HDFC बैंक और ICICI बैंक, सिर्फ इन दो ही बैंकों पर आपको जो है नो कॉस्ट EMI देखने को मिलती है। HDFC पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, 12 महीने की, 9 महीने की, 6 महीने की, ये वाली EMI मुझे नो कॉस्ट देखने को मिलती है। 12 महीने की मैं सिलेक्ट करता हूँ, वो होगी 4500 रुपये कुछ। अगर मैं 9 महीने की सिलेक्ट करता हूँ, वो होगी दोस्तों 6,111 रुपये। और अगर मैं 6 महीने की सिलेक्ट करता हूँ, वो होगी दोस्तों हर महीने की 9,100 कुछ रुपये। तो इस तरीके से यहाँ पर EMI प्लान देखने को मिल जाते हैं। और अगर मैं नो कॉस्ट हटा दूंगा तो यहाँ पर आपको जो है इंटरेस्ट वाली EMI भी देखने को मिल जाती है, जो कि 36 महीने की होगी, सबसे ज़्यादा टाइम की। इसमें आपको 1934 रुपये की हर महीने की EMI होगी, लेकिन यहाँ पर आपको जो है 16% का इंटरेस्ट भी देना होगा, और इंटरेस्ट के बाद टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी वो भी यहाँ पर लिखी गई है। तो इस तरीके से सारे क्रेडिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। इस स्मार्टफोन की सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। तो क्या ये स्मार्टफोन आप इस सेल के दौरान खरीदेंगे, वीडियो के कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर बताना। इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।